so Bacho, you will be surprised to know this that sometimes human created problems are also responsible for famine first of all we discuss about hoarding and black marketing in order to earn more and more profit some shopkeepers hide and store food grains in their godowns this is called होर्डिंग आफ्टर दैट दे सेल द फूड ग्रेन एट अ वेरी हाई प्राइस दुगनी प्राइस पे पहले अपने पास रख लेते हैं गोडाउन में बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब कम हो जाती है कोई भी चीज़ मार्केट में तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है राइट सो so, उसको बहुत हाई प्राइस पे फिर मार्केट में सेल करते हैं और दिस इज कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग दिस होर्डिंग कॉजेज अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द मार्केट जब वो अंदर रखते हैं इस तरीके से संभाल अंदर अपने गोडाउंस में बहुत सारा खाने का सामान और बहुत सारा अनाज सब अंदर होर्ड करके रखते हैं होर्डिंग करके रखते हैं ऐसे केसेस में बाहर क्या होता है मार्केट में फूड की शॉर्टेज हो जाती है और जो पुअर पीपल हैं जो गरीब लोग हैं वो खरीद नहीं पाते उसको इतने हाई प्राइस पे वो बहुत हाई प्राइस पे बेचते हैं सो देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फूड दैन सो बोथ होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग इज ऑल दो इीगल है ना दीज प्रोसेज आर इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ गवर्नमेंट ने इसके लिए सजा तय कर रखी है और यदि ऐसा कोई करता है तो उसको सजा मिलती है लेकिन कोई बताता नहीं है राइट बिना बताए इल्लीगल तरीके से इल्लीगल तरीका मतलब क्या हुआ जो तरीका ठीक नहीं है जो लॉ के अनुसार नहीं है कानूनन जो अपराध है उस तरीके से ये इस अनाज को अपने गोडाउंस में सेव करके रखते हैं नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम इज इनप्रॉपर फूड स्टोरेज फूड ग्रेन्स दैट आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली दैट गैट डिस्ट्रॉयड कभी कभी होता है जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा अनऑर फूड अपने गोडाउन में रख लिया लेकिन हम घरों में भी जैसे बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया हमने लेकिन पता चला कि उसमें कीड़ा हो गया या वो ख़राब हो गया दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेन ऑल्सो लीड टू द शॉर्टेज ऑफ फूड थर्ड टॉपिक इज पॉवर्टी बट पुअर पीपल डो नॉट हैव इनफ मनी टू बाई फूड समेम गेट ओनली वन मील अ डे पता है आपको कई देशों में कई जगहों पर लोग एक बार का भी खाना ठीक से नहीं खा पाते सो दे सफर फ्रॉम माल न्यूट्रीशन एंड स्टारवेशन What do you mean by this malnutrition and starvation? बच्चों malnutrition occurs when the body doesn't get enough nutrients due to the poor nutritional value of the food, है ना कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें कुछ खास है नहीं जिसकी वजह से उनको बॉडी में जो चाहिए आपको वो नहीं मिल पाता, ठीक है सारे nutrition नहीं मिल पाते वो मालन्यूट्रिशन कहलाते और स्टारवेशन क्या है स्टारवेशन मीन्स डेथ कर्स्ड बाय द लैक ऑफ फूड कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि उनको एक टुकड़ा भी एक पीस भी खाने का कुछ भी नहीं मिल पाता और भूख के कारण उनकी डेथ हो जाती है दैट इज स्टारवेशन लेकिन आजकल सरकार बिल्कुल कोशिश करती है हमारी गवर्नमेंट कि हर किसी को हर गरीब को खाना पूरा खाना मिले ताकि वो भूख की वजह से ना मरे राइट उसको कंट्रोल्ड रेट्स पर खाना शुगर ऑयल कैरोसिन सभी कुछ दिया जाता है ताकि जो मिनिमम खाना वो खा के और ज़िंदा रह सके इस लायक उसको फूड प्रोवाइड करती है सरकार